जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। कल तुमने और बहू ने जो डांडिया रास खेला है वो तो हम कई सालों तक नहीं भूल पाएंगे। सच कह रही हूँ कोकिला, इन दोनों की आंखों में जो प्यार नजर आ रहा था वो तो देखने वालों के कलेजे तक पहुंच गया। ठाकुर जी और राधा कृष्ण की जोड़ी बनाए रखे। चलो कोकिला बहन, हम लोग चलते हैं। हमको भी अभी आरती करना है घर पे जाके। ठाकुर जी आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे। अरे गोपी हो, तू घर पे क्यों घूंघट डाले हुए हो? अरे इतना सुंदर मुखड़ा पति से क्यों छुपाती हो? दरअसल बात यह है ना हंसा बहन की, हम बस आरती शुरू ही करने वाले हैं, इसीलिए गोपी ने घूंघट लिया है। आजकल की छोकरियों को तो कोकिला तेरी बहू से सब सीखना चाहिए। अच्छा तब हम चलते हैं। आओ जो। जय श्री कृष्ण। माँ पूजा की तैयारी हो चुकी है, पापा और जिगर भाई भी मंदिर पहुंच चुके हैं, आप सबका इंतजार कर रहे हैं, तो पूजा शुरू करें। चले राशि। माँ आरती शुरू करें। एक मिनट किंजल। गोपी इसे नीचे रख दो। Thank you.
दशहरा की खास आरती आज। गोपी वो करेगी। हाँ गोपी वो आरती तुम्हें करनी है। माजी, आपने मुझे वो कहा। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया। माजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लो आरती शुरू करो। माजी मैं गोपी वो सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आरती शुरू करो गोपी वो। अहम आज दशहरा की आरती है और मैं चाहती हूं कि आज की आरती तुम गोपी के साथ करो। अहम चाहो दिख रहा गोपी वाओ आरती शुरू करो। बोलो अम्बे मात की जय। चिवतारो दिखरा, तुम दोनों की जोड़ी यूं ही बनी रहे। खूब खुश रहो। अखंड सौभाग्यवती। अहम सदा खुश रहो दिकरा। मॉम माफी चलता हूं। हाँ दिकरा एक मिनट। मेरे अहम दिकरे को किसी की बुरी नजर ना लगे। मैं भी ऑफिस चलता हूँ। राशि तुम अपने पैर का ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो बेटा, हम सब है ना, हम ख्याल रखेंगे राशि का। मोटा भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप, हमसे भी ज्यादा इसकी माँ है ना ख्याल रखने वाली। जिगर ऑफिस चले। जी भाई। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण काकी। जय श्री कृष्ण। शू था गोपी दिख रहा। कुछ नहीं काकी जी,
शू थयो गोपी वाओ? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों हो गया? हाँ जी, वो बाकी याद आ गए तो उनके लिए ये फूल अलग से निकाल के रखे। सोचा जब वो आएंगी तब उन्हें दे दूंगी। हाँ काकी जी, वो बाकी कमी तो बहुत खलती है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगा ऐसा, क्योंकि तुमने नवरात्रि के 9 दिनों में ना कभी बा के लिए अलग से फल रखा, ना फूल, ना प्रसाद। और अब कह रही हो कि उनकी कमी तुम्हें भी खल रही है। खैर छोड़ो ये सब। मोटा भाभी, आज किंजल की होने वाली सास केतकी बेन आने वाली है। चलिए, बहुत काम है आज। हाँ किंजल, आज शगुन की एक रस्म होनी है। किंजल, अब तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। गोपी वाओ, किंजल को अच्छे से तैयार करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी। जाओ। आई किंजल बहन। राशि, अब तुम्हारा पैर कैसा है? हाँ वो काकी जी, दर्द तो अभी भी है। बड़ी मुश्किल से मैं खड़ी रह पा रही हूँ। मैं बस सोच रही थी कि अपने कमरे में जाके थोड़ी देर आराम कर लूँ। जाओ बेटा, जाओ, जाकर आराम करो। मणि, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। जी। मणि, लोई पिणी ने डोबी डफोड़, कितनी मीठी चाय है। चाय की प्याली में पूरा शक्कर का डब्बा ही डाल दिया है। गोपी वाओ, तुम क्या सोच रही हो मैं अच्छी तरह से समझ रही हूं। जब सोच ही रही हो तो बना दो मेरे लिए चाय, लेकिन फटाफट। माँ जी, मैं सच्ची, तुम्हें क्या लगता है मैं खोटू बोलू छू? जाओ फटाफट चाय बना कर लाओ मेरे लिए। जी, अभी लाई। मणि, खड़ी खड़ी क्या कर रही है? नृत्य करेगी? चल बाईडी, दौड़ अवे। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं मंग, इस मेहता परिवार को शादी की इतनी जल्दी पड़ गई है। नवरात्रि में घर आए और उस इलेश ने पूरे परिवार के सामने ये ऐलान कर दिया कि मैं उसे पसंद हूं। और उसकी माता श्री ने कहा जल्दी बस अब सगाई किए लेते हैं। प्लीज उमा, तुम जो कुछ करने वाले हो जल्दी करो। सब कुछ हो रहा है स्वीटहार्ट, सब कुछ। इस बारे में तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। ओके ओके। किंजल बेन, तुम यहां क्या कर रही हो? वो एक पंथ दो काच। वैसे मैं तो आपको ये बताने आई थी कि काकी जी ने मुझे आपको बताने के लिए कहा है कि आज की रस्म में वो आपको मेहंदी लगाने वाली है। चलो एक काम तो हो गया,
अब दूसरा काम है मलहम लगाना। क्या? हाँ वो है ना, चोट लगती है तो दर्द भी बहुत होता है, तो बस उस दर्द को ठीक करने के लिए मलहम तो लगाना ही पड़ेगा ना, तो मैं वही करने आई थी। एक मिनट, चलो मैंने अपने लिए मलहम तो ले लिया। वैसे किंजल बेन आप क्या समझी थी? हो गया ना तुम्हारा काम, अब चलो निकलो यहाँ से। अच्छा ठीक है, अभी तो यहाँ से मैं ही निकलूंगी, लेकिन वैसे एक बात तो है, जब आप इस घर से निकलेंगी तब इस घर में आपकी सबसे ज्यादा याद मुझे ही आएगी, सच्ची। गोपी वाओ, चाय में अदरक डाली है? जी माँ जी। माँ जी, वो मैं जाऊँ? गोपी वाओ, तुम अपनी सास के पास दो घड़ी रुक नहीं सकती हो? ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, मैं तो बस क्या? ठीक छे, जाओ। और हाँ सुनो, तुमने और अहम ने डांडिया प्रतियोगिता में पुरस्कार में जो ट्रॉफी जीती है ना, उसे लेकर मेरे कमरे में आओ, मैं उस ट्रॉफी को अपनी आंखों के सामने रखूंगी। जाओ। हाँ। कोकिला एक बात कहूं? कहिए ना मोटा भाभी। कोकिला, कल स्टेज पर अहम और गोपी को एक साथ देखकर आंखें उनसे हटी नहीं रही थी। कितने सुंदर, कितने आकर्षक विजयी जोड़ी लग रही थी। मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना कर रही थी कि व्यक्तिगत जीवन में भी ये ऐसे ही खुश रहे और हम बड़ों की आंखों को ठंडक पहुंचती रहे। वाह मोटा भाभी वाह, तारीफ के मखमल में जूता लपेट कर मारना तो कोई आपसे सीखे। वाह जी वाह मोटा भाभी, एक तरफ तो आप कह रही है कि क्या सुंदर जोड़ी है और दूसरी तरफ आप मेरे अहम दिख रहे और गोपी वह की जीत का मजाक उड़ाना चाहती है, ये कहकर कि उनकी जोड़ी ठीक नहीं है, उनका व्यक्तिगत जीवन गड़बड़ है। नहीं कोकिला, तुम मुझे गलत समझ रही हो, बल्कि आज दशहरे के शुभ अवसर पर मैंने माँ अम्बे से विशेष प्रार्थना की है कि जिस तरह अहम और गोपी ने डांडिया की प्रतियोगिता जीती है उसमें सफल रहे हैं, उसी तरह उनका शादीशुदा जीवन भी सफल रहे। सारू, मोटा भाभी ये इतने सारे जेवरों के डिब्बे ये लेकर कहाँ जा रही है? ये सारे मेरे ही जेवर के डिब्बे हैं। मैं तुम्हें पूछने आ रही थी कि क्या तुम्हें अपने जेवर के डिब्बे देने हैं तो मैं ले जाऊं। क्यों, मेरे जेवरों के डिब्बे क्यों दूं? किसके लिए, कहाँ लेके जाएंगी? कोकिला तुम जानती हो ना, अभी थोड़े ही दिनों में हमारा घर शादी का घर हो जाएगा। हाँ? मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, हम इतने हैं फिर भी सभी कामों में लगे हुए होंगे। मैं ये सोच रही थी कि इन जेवरों की जिम्मेदारी किसी को दे दी जाए जो ये संभाल सके। अब क्या है ना कि हमारी गोपी तो कामों के बोझ तरे लदी हुई होगी, तो मैं सोच रही थी कि अगर ये जेवरों की जिम्मेदारी
हम राशि को दे दें तो ठीक होगा। अब क्या है ना, उसके पैरों में चोट लगी है तो वो ज्यादा भाग दौड़ तो नहीं कर पाएगी, अपने कमरे में ही होगी, तो हमारे जेवर भी संभाल लेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।